सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं ऑफ सीज़न में आपको इस बॉक्स पर एक सुपर चढ़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा छत्ते रखे हुए थे उनमें मोमी पतंगा लग जाता है, जिसे मोमी कीड़ा बोलते हैं, वो छत्तों को खा जाता है। हमारे बीकीपर भाइयों को पता भी होगा। तो ये हमारी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर हम वो बॉक्स चढ़ा देंगे जिससे कि मक्खी ऊपर घूमती रहे और वो छत्ते ख़राब ना हो। सबसे पहले तो हम इस बॉक्स के नीचे स्टैंड डबल कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में भी अगर बारिश भी हो या फिर बॉक्स में ज़्यादा वज़न हो जाए तो ये डब्बा ना गिरे, इसका संतुलन बना रहे। तो ये हमारी कॉलोनी जो है स्ट्रॉन्ग है, हम इस पर एक सुपर ले आएंगे और ला करके इस पर एक सुपर रख देंगे और हमें बोरी बड़े आराम से उतारनी है, जिससे कि मक्खी परेशान ना हो, क्योंकि अगर मक्खी परेशान होगी वो बढ़ गएंगी तो वो आपको काट भी सकती है। इसलिए हम धीरे धीरे से हमने ये बोरी उतार दी है। अभी इसके ऊपर ये हम सुपर रख देंगे। इस सुपर को रखने के बाद, और ये हम बड़ी सावधानी से रखेंगे जिससे कि साइडों पर मक्खी जो है वो दबे ना, क्योंकि अगर मक्खी जो है मक्खी दब जाएंगी वो मर जाएगी, इसलिए बड़ी सावधानी से इसको हम रख देंगे। और अभी जो छत्ते हमारे एक्स्ट्रा निकले हुए हैं वो ला करके 3 से 4 छत्ते मैं इस पर लगा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा भी छत्ते अगर लगाएंगे तो उन पर मक्खी काम नहीं करेगी, ना ही ऊपर मक्खी आएंगी। ये जो डब्बे यहाँ पर लगे हुए हैं, इन बक्सों में सभी में छत्ते हैं, जो ऑफ सीजन में छत्ते खाली हुए हैं। इनमें से सही छत्ते हम निकाल करके सुपर पर लगा देंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें हाफ नेकर और हाफ टी शर्ट में ही मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप कर भी सकते हैं अगर मधुमक्खी जो है वो परेशान नहीं है, आपको परेशान नहीं कर रही है, तो आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से कपड़े पहन करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। ये हमने इसमें फेंट दी हुई है, बड़े आराम से इस पन्नी को उठाएंगे और बड़े आराम से हम इसको दूसरी जगह पर रख देंगे इसके बराबर में थोड़ा सा खा करके, जिससे कि मक्खी परेशान ना हो और मक्खी दबे भी। ये हमने रख दिया है और ये जो छत्ते हमने अभी इसमें लगाए हैं इन पर मक्खी घूमती रहेगी और जो मोमी पतंगा है वो इस पर नहीं आएगा। बी कॉलोनी के हिसाब से मक्खी को देखते हुए कितनी मक्खी स्ट्रॉन्ग है उसी हिसाब से उतने ही छत्ते लगाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा छत्ते लगाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा हमारा उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ये लग करके हमने सुपर चढ़ा दिया है। अब इस पर हम मिट्टी का लेप बना करके चारों तरफ से जो हमने सुपर लगाया हुआ है उसके जितने भी छिद्र हैं, जो लीकेज है, उनको हम बंद कर देंगे, जिससे कि जो बाहरी मक्खी है वो अटैक ना करे। मक्खी अपने रास्ते से ही गेट से ही अंदर जाए और बाहर आए। चारों तरफ से अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं। साथियों मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और आप लोग मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँगा।
आप लोगों से भी जितना हो सके अगर जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो मुझे बताइएगा। जो भी मुझसे गलतियां हो रही है मैं उनको सुधार करने की कोशिश करूँगा। ये हमने इस बॉक्स को अच्छे से बंद कर दिया है। चारों तरफ से जो भी इसमें लीकेज है वो हमने सभी भर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये सुपर यहाँ पर इस पर हमने चढ़ा दिया है। सुपर तैयार हो चुका है। अभी ऑफ सीजन है तो हमें अभी इसका ध्यान रखना होगा। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।